पिछली वीडियो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको बताया था कि आगने वाली वीडियो में मैं आपको तापो की एग्ज़ाम के हवाले से सारी डिटेल दूंगा। 8 एग्ज़ाम हैं टोटल, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे नंबर 8 से, जो जिसका नाम है तोपराग तापो। तोपराग ज़मीन को, लैंड को कहते हैं तुर्किश में। ये एक जगह होती है जिस पर कोई इलीगल बिल्डिंग हो, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, कोई ऐसी बिल्डिंग जो रेजिडेंस एरिया में ना आती हो, अप्रूव ना हुई हो, वहाँ पर आप रेजिडेंस अपार्टमेंट बना दें। ये सारी इलीगल बिल्डिंग्स होती है और इसका कोई रिकॉर्ड बल्दिया जो होती है या लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होती है वहाँ पर नहीं होता है। ऐसी तमाम टापू को तोपराग टापू कहते हैं। ऐसे टापू पर बैंक लोन भी नहीं देता। एक्चुअल है क्या तोपराग टापू? तोपराग टापू एक ज़मीन का टापू है, एक इसे लैंड शेयर टापू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ओनर आपको सिर्फ और सिर्फ जो ज़मीन होती है उसमें आपको शेयर कर रहा होता है। इंडिपेंडेंट भी आप ओनर नहीं हैं, उसमें लोकल बंदा आपका पार्टनर होगा, उसको तोपराग टापू कहते हैं। बहुत रिस्की है, आप अपना पैसा लगाते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। मेरी ये सजेशन है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी घर लेने से पहले आप किसी ऑथेंटिक बंदे से अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर वेरीफाई करवा लीजिए। दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो वो बिल्डिंग जो वेल नोन कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको बना रही है, तो वो इनिशियल स्टेज पे अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए तोपराग टापू लेते हैं। उसमें देख लेना चाहिए कि क्या ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका हिस्ट्री में क्या है, इसने क्या डिलीवर किया हुआ है, इसकी रेपुटेशन क्या है। अगर इस सिचुएशन में अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो फिर ठीक है, क्यों वो टाइम के साथ साथ कैटेगरीज चेंज करते जाएंगे। इनिशियली ये आपको तोपराग टापू मिलेगा। अगर तो उसकी रेपुटेशन ठीक है तो वक्त के साथ वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ या बल्दिया के सारे रूल्स को, उसकी परमिशंस को फॉलो करते हुए वो बिल्डिंग कम्प्लीट कर लेंगे। एट द एंड आपको कात इर्तफाकी या कात मुल्कियात मिल जाएगा। जब भी आप परचेज़ करें, चाहे किसी ऑनर से, छोटे कॉन्ट्रैक्टर से या बड़े कॉन्ट्रैक्टर से करें, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें वो नोटराइज ज़रूर करवा रहे अपने राइट्स को लीगलाइज करने के लिए। उससे क्या होगा, किसी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम होता है या वो आपसे कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि मैं बिल्डिंग कम्प्लीट कर दूँगा, ये हो जाएगा, मैं अप्रूवल ले लूँगा, मैं इसके सारे लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी कर लूँगा, नहीं कर पाता। तो अगर तो आपने नोटराइज़ किया हुआ है, इसका मतलब है आप उससे अपने पैसा क्लेम कर सकते हैं, आप उससे ले सकते हैं अपना पैसा। अगर आपने नोटराइज़ नहीं किया हुआ तो फिर आपके लिए बहुत रिस्क और प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पैसा टाइम सब बर्बाद हो सकता है। तोपराग टापू पे आप बैंक लोन नहीं ले सकते, और ये यहाँ पर तुर्की में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिस डॉक्यूमेंट पर आपको बैंक लोन मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो 100% ठीक है और सिक्योर है। बैंक अपने आप को रिस्क में कभी भी नहीं डालेगा, वो आपको उसी चीज़ पे लोन देगा जो सिक्योर और बिल्कुल ठीक होगा। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, तोपराग टापू लैंड टापू कहते हैं, लैंड शेयर टापू कहते हैं। इस पे जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन होती है या तो बिल्कुल इलीगल होती है या अंडर कंस्ट्रक्शन होती है या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होती है या रेजिडेंस एरिया में नहीं होती। ऐसे तमाम बिल्डिंग जो होती है जिस पे अप्रूवल मिला ही नहीं होता बल्दिया से, उसको तोपराग टापू कहते हैं। गवर्नमेंट के ला में, उसके डॉक्यूमेंट्स में वहाँ कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ये बहुत रिस्की है, इस पे आपको सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है। एक सजेशन ये भी दूंगा कि अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी ऑथेंटिक बंदे से ज़रूर वेरीफाई करवा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नंबर 7 बताऊंगा और उससे रिलेटेड डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।